कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम से होकर गुजर रही है। असम में राहुल गांधी ने हेमंता सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। अब हिमंत बिस्व शर्मा ने भी राहुल की यात्रा को लेकर तीखा बयान जारी किया है। उन्होंने राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की बात कही है। हमने बोल दिया हो कि सिटी का अंदर से नहीं जाना है, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग होम है, आप अल्टरनेटिव रास्ता जो भी आप मांगेगा हम आपको अनुमति दे दूंगा, लेकिन आप सिटी का अंदर से ही जाने का जेट करेगा तो मैं कोई पुलिस वुलिस का व्यवस्था नहीं करूंगा, मैं वायलेशन का केस रजिस्टर कर लूंगा और बाद में 2-3 महीना सुनाव का बाद मैं अरेस्ट कर लूंगा, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा असम के कई जिलों से होकर गुजरेगी। रूट के मुताबिक इसमें गुवाहाटी शहर भी शामिल है। इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा, आप कहीं से भी यात्रा निकालिए लेकिन शहर के अंदर यात्रा निकालने की परमिशन मैं नहीं दे सकता। अपने बयान में हेमंत बिस्व शर्मा ने आगे कहा, ये न्याय यात्रा नहीं बल्कि मियां यात्रा है, जहां जहां मुस्लिम है वहां वहां ये यात्रा कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को जवाब देते हुए गांधी परिवार पर भी हमला बोला। बिस्वा ने कहा, मेरे हिसाब से तो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार ये गांधी परिवार है। ये देश में बोफोर्स से लेकर भोपाल कांड के आरोपी को भगाने तक में शामिल है। सबसे भ्रष्ट परिवार गांधी परिवार ही है। ये भ्रष्ट नहीं, डुप्लीकेट भी है। उनका तो सरनेम गांधी है ही नहीं, अपना डुप्लीकेट नाम लेकर घूम रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने असम सीएम पर हमला करते हुए उन्हें सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया था। राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था, हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर अगर कोई है तो वो असम का चीफ मिनिस्टर है। उनके परिवार के सभी मेंबर, चाहे बच्चे हों या उनकी बीवी या फिर वो खुद ही क्यों ना हो, सभी किसी न किसी भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। वो सोचते हैं कि पैसे से सब खरीदा जा सकता है, लेकिन असम की जनता को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। कोई कीमत है ही नहीं।